पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोस्ती जिंदाबाद। कोरोना वायरस के चलते बहुत से लोग अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। उन्हीं में से 193 लोग जो कि पाकिस्तान से यहां घूमने के लिए आए थे, वो भी लॉकडाउन के कारण भारत में ही फंस कर रह गए। इसी के चलते भारत सरकार इन सभी पाकिस्तानी यात्रियों को वापस पाकिस्तान भेजने का काम कर रही है। इसके लिए बीएसएफ के सहयोग के द्वारा इनकी मेडिकल जांच करके इन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा। सर कुमार हैं, कहाँ से आए आप? हम घोटकी से, सिंध से। मैं 41 का जत्था मेले के आया हूँ। यहाँ पे मेरे बेटे की मनोदी थी जलगांव, हमारा बाबा गोदरीवाल जलगांव, यहाँ पे पूरी भारत में मशहूर है। बाबा गोदरीवाल के धाम पूरी बाँ भारत में 65 हैं। पहले हम रायपुर गए थे, 27 तारीख को बॉर्डर क्रॉस किया था और 2 तारीख को हम रायपुर पहुँचे। वहाँ पे 2 दिन का स्टे किया, वहाँ मेला था। फिर हम जलगांव आए, 10 दिन हमने जलगांव रहा। वहाँ पे बाबा गेलाराम साहब दिन का होता है 12 मार्च को बर्थडे सेलिब्रेट भी किया, और मेरे बेटे का बेटा हुआ था, उसकी मनोदी भी थी 9 को। 10 दिन हमारे थे। 10 दिन के बाद हम आए नागपुर, तो वहाँ से हमारी टिकट बुक थी 20 तारीख को, और 22 तारीख को हमारा वीज़ा भी एक्सपायर थी। तो हम वहाँ से निकलने गए, तो 19 तारीख हम डिपार्चर करने गए, तो पता चल गया बॉर्डर बंद हो गया है, लॉकडाउन हो गया है। तो वहाँ की सरकार ने हमारे को कहा, भैया आप अभी घर में रहें और वीज़ा आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरें, आपकी वीज़ा हम 1 माह भरा देंगे। तो 1 माह पूरा हुआ, फिर लॉकडाउन बढ़ गया। फिर उन्होंने कहा, भाई फिर भी आप वीज़ा आपकी बढ़ गई है। फिर हम यहाँ से लगातार एम्बेसी पाकिस्तान दिल्ली उनसे रबते में थे, भाई हमको अभी घर जाना है, हमारे बच्चे कुछ वहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे लेके आए हैं, तो हमको अपने घर जाने दीजिए। वहाँ पे भी जो सरकार थी उसको भी हम बोलते रहे। तो आज 1 तारीख को हमारा फ़ोन आया, कहा भाई बॉर्डर 5 तारीख बॉर्डर पर पहुँचे। कुछ मुश्किल कुछ भी नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट ने हमको बहुत स्वीकार किया है, बहुत सुविधा दी है। हम ये कहना चाहते, हम घर जा रहे हैं, बहुत खुश हैं। यहाँ पर भी हमको बहुत प्यार मिला है, उन्होंने बहुत हमारी सेवा की। वहाँ के कर्मचारियों ने, हम डेली वहाँ के SP पूछते थे, भाई आप कैसे हो, बाहर नहीं निकलो, कोई चीज़ आपको चाहिए हमको बोलो। जो हमारे वहाँ के बाबा के गुरु, हमारे जो गुरु बाबा के मेंबर हैं, जो धाम वाले हैं, बाबा गोदीरा धाम वालों ने, उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की। वहाँ के जो मेंबर हैं उन्होंने हमारी पैसे की, खाने की, पीने की, 41 मेंबर हैं। और हम लोग 40 डेज के बाद वी आर गोइंग बैक, एंड होपफुली अब ये लॉकडाउन खत्म हो रहा है और हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच में सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमें भेज रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी आपको? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एम्बेसी और पाकिस्तान एम्बेसी एंड इंडियन अथॉरिटीज़ दोनों ने बहुत ही हमारा सपोर्ट किया। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? यहाँ पे हमें 40 डेज हो गए, 42 डेज। तो अब जा रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, रिलीफ, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है हमको। इधर कोई तकलीफ आई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा हर चीज़ में बहुत हेल्प किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस कुछ नहीं, अमन शांति, अमन शांति, हिंदू मुस्लिम भाई प्यार मोहब्बत से रहे। कितने आदमी आए थे आप? जस्ट 2 पीपल, जस्ट 2 पीपल। हां जी, मैं कहना चाहते हैं, आप कहां पे रहे थे इतने दिन? क्या हम रायपुर भी गए थे, हम जलगा साहब अपने गुरु के दरबार भी गए थे, हम नागपुर भी गए थे। हमारे यहाँ तीनों शहरों का वीजा था। अभी कोरोना वायरस की वजह से हमें 25 दिनों का वीज़ा था, पर 2 महीने हमने अपनी वीज़ा बढ़ा दी थी, इसलिए हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हमें जाने दे, हमारे बच्चे वहाँ हैं और 2 महीने भी हो गए, इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। 2 महीने के बाद हमें कॉल आया और व्हाट्सएप पे लेटर आया कि आप 5 तारीख को तक बॉर्डर तक आ जाएं। मुश्किल कोई थी? नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं हुई थी। इधर कोई मुश्किल आई आपको? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बहुत अच्छा लगा इंडिया आके, बहुत हमारी हेल्प हुई, या रहने की सुविधाएं दिए थी, 2 महीने की वीज़ा भी ऑनलाइन बढ़ गई थी, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। जा रहे हो, क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ भी अच्छा था, वहाँ भी अच्छा है, दोनों मुल्कों के आपस में अच्छी दोस्ती हो जाए। मैं जी ASA अरुणपाल सिंह, अमृतसर देहाती पुलिस जिला तो, साढ़े मान योग SSP साहब श्री विक्रमजीत सिंह दुग्गल IPS सीनियर पुलिस कप्तान अमृतसर देहाती वालों सानू दिशा निर्देश जारी हुए थे कि जिवें कि भारत सरकार ते पाकिस्तान सरकार ने एक साझा उपराला करके पाकिस्तान जाने वाले नागरिकां दी एक लिस्ट तैयार करके अज उन्हां दा टाइम दिता गया सीगा, जिवें कि अज 193 नागरिक जिहड़े आ पाकिस्तान अपने घरां दे विच बड़ी खुशी नाल जा रहे आ। अप्रोक्सीमेट साढ़े कोल हुण तक 150 यात्री जिहड़ा वा वह आ चुक्या वा जिहड़ा पाकिस्तान जाणा वा। तो जिवें कि तुसीं देख रहे हो सारे अंदर एंट्रेंस हो चुकी है, स्लोली 1 बाय 1 करके गड्डियां दी चेकिंग करके BSF दे रास्ते नाल असीं भी इत्थे खड़े हाँ।
तो वह अंदर जा रहे हैं बकायदा अंदर उन्हों का एक मैडिकल टैसट हो रहा वा। टैसट करने तो बाद उन्होंने पासपोर्ट वगैरह चैक करके समान चैक करके उन्होंने पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। अमृतसर से कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट, लाइव अमृतसर। लाइव अमृतसर को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।